ये सारी स्कीमें अंतिम 6 महीने में क्यों चलाई है, मैं विनम्रता के साथ अशोक गहलोत जी को पूछना चाहता हूं, 5 साल तक क्यों नहीं चलाई गई? जब आपको भनक लग गई कि आप जाने वाले हो, सारी स्कीमें याद चालू कर दी? ये इन्होंने सोच समझकर अंतिम समय पर स्कीमें चालू की हैं। राजस्थान की जनता इसको अच्छे से जानती है। सर, अशोक गहलोत ये कहते हैं कि भाजपा कभी भी विकास पे बात नहीं करती और भाजपा विकास के अलावा बाकी सब चीजों पे बात करती है। तो मैं उनको पूछ रहा हूं कि विकास के लिए उनकी जब केंद्र में सरकार थी कितना रुपया दिया गया, नहीं कहते, वो जवाब ही नहीं देते। सर, देखिए, ये इनका भ्रष्टाचार को शील्ड करने का एक जवाब है। इस देश में कोर्ट है या नहीं है भाई? अगर गैरकानूनी तरीके से हुआ है तो तुरंत कोर्ट में चला जाना चाहिए। सर, कल मोदी का रोड शो था, उसके बाद एक रिएक्शन आया आदर्श नगर विधानसभा से, वहां उम्रदराज चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। छोड़ो, ऐसे विधानसभा से क्या सवाल? सर, मैं इसलिए कह रहा हूं, छोड़ो भाई, ऐसे सवाल नहीं होते यार जी। कांग्रेस हो गई बात, आपने एक पूछ लिया ना। मुख्यमंत्री क्या माइनॉरिटी रिजर्वेशन? सर, माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन। देखिए, धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, वो हो ही नहीं सकता, और अगर कोई करने का प्रयास करता है, भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। और गहलोत साहब को तो करना ही नहीं है क्योंकि वो जीत कर ही नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी लगातार 6 महीने से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, बीजेपी का क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है। मैं राहुल गांधी जी को 3 ही सवाल पूछना चाहता हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसने दबाकर रखा था? मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हो रही थी, किस पार्टी ने विरोध किया था? विपक्ष के नेता राजीव गांधी थे, उन्हीं ने विरोध किया था। और आज तक 70 साल में कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, जो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दी गई है। राहुल गांधी जी को कुछ एनजीओ एकाध दो चीजें पकड़ा देते हैं तो नया कागज नहीं आता है, तब तक वो ही बोलते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।